हेलो फ्रेंड्स, आज मैं रिव्यू करने वाला हूँ बुक द 40 रूल्स ऑफ लव बाय एलिफ शफाक। द 40 रूल्स ऑफ लव एक फिक्शनल स्टोरी है जो दो पैरेलल्स में चलती है। एक पैरेलल है मॉडर्न डे एला रॉबिन्सटन का, एक लेडी जो अपने 40s में होती है, अपने पति एंड 3 बच्चों के साथ में रहती है। उसके पास में ना लाइफ में सब कुछ होता है, अच्छा घर होता है, अच्छी फैमिली होती है, जो कि किसी भी बाहर वाले इंसान को एला की लाइफ परफेक्ट नज़र में आएंगी। बट एला को अपनी लाइफ में है ना बहुत ही ज़्यादा खोखलापन महसूस होता है। तो एला उस खोखलेपन को दूर करने के लिए एक लिटरेरी एजेंट के यहाँ जॉब स्टार्ट कर देती है। एंड जो उसको पहला असाइनमेंट मिलता है वो होता है एक बुक को रिव्यू करने का, जिसका नाम होता है स्वीट ब्लास्फेमी, जो कि अजीज दारा ने लिखी होती है। अब जो बुक है स्वीट ब्लास्फेमी, वो इस बुक का दूसरा पैरेलल है जो कवर करती रूमी और उनके स्पिरिचुअल कंपेनियन शैम्स ऑफ तबरीज के बारे में। जैसे जैसे एला स्वीट ब्लास्फेमी को पढ़ती है एंड उस बुक में आगे बढ़ती है, तो उनको शैम्स के 40 रूल्स ऑफ लव के बारे में पता चलता है, जो शैम्स अन्य लोगों के साथ में बातचीत में शेयर करते हैं, बताते हैं। और एला जितना ही इस बुक को और पढ़ती जाती है, एला का ज़िंदगी को देखने का नज़रिया बिल्कुल चेंज हो जाता है। उनकी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आने लग जाते हैं, उनका उनके बच्चों के प्रति में व्यवहार, उनके पति के प्रति में व्यवहार में चेंजेस आने लग जाते हैं। एंड साथ ही साथ में उनकी इस ऑथर के साथ में, अजीज जहरा के साथ में, जिन्होंने स्वीट ब्लास्फेमी लिखी होती है, उनके साथ में बातचीत चालू हो जाती है। एंड वो एक दूसरे के साथ में अपने लाइफ की पर्सनल चीज़ें शेयर करना स्टार्ट कर देते हैं। इस बुक का मेन पार्ट वहीं से स्टार्ट होता है जहाँ से एला रॉबिन्सटन स्वीट ब्लास्फेमी को पढ़ना स्टार्ट करती है। एंड वो उस जर्नी को एक्सपीरियंस करती है कि कैसे शैम्स तबरीज से लेके बगदाद जाता है, वहाँ पे बाबा जमान से मिलता है, एंड कैसे बाबा जमान उनको रूमी के पास में भेजते हैं जो कि कोनिया में रहते हैं, एंड आगे चल के उनके स्पिरिचुअल कंपेनियन कैसे बन जाते हैं। इस बुक में लव के ऊपर में, स्पिरिचुअलिटी के ऊपर में, गॉड के ऊपर में बहुत ही थॉट प्रोवोकिंग बातें शेयर की हुई है, जो आपको सोचने में एक्चुअली में बहुत ज़्यादा मजबूर कर देंगी। रूमी पहले एक मिस्टिक स्कॉलर थे एंड उसके बहुत बाद में वो एक महान पोएट बने, तो उनके मिस्टिक स्कॉलर से लेकर उनके पोएटिक जर्नी में शैम्स का बहुत ही बड़ा रोल था। एंड वो इस बुक में बहुत ही अच्छे से बताया हुआ है, मतलब रूमी की मीनिंगफुल एंड डीप पोएट्री के पीछे में शैम्स का बहुत बड़ा रोल है, उसमें शैम्स की लर्निंग्स का बहुत बड़ा रोल है। इस बुक में बहुत ही अच्छे से बताया हुआ है कि करके कैसे शैम्स के आने के बाद में रूमी के लाइफ में क्या क्या चेंजेस होते हैं, एंड कैसे आसपास वाले लोग जो कोनिया में रहते हैं वो शैम्स के कारण में कैसे अफेक्ट होते हैं, उनके लाइफ में क्या क्या चेंजेस आते हैं, वो भी इस बुक में बहुत अच्छे से बताया है। एंड इस बुक की बेस्ट बात तो ये कि करके ये बुक है ना सिंगल पर्सपेक्टिव से नहीं लिखी हुई, इस बुक में मल्टीपल पर्सपेक्टिव दिए हुए हैं। मल्टीपल पर्सपेक्टिव भी ऐसे कि करके हर एक कैरेक्टर दूसरे कैरेक्टर को किस नजरिए से देखता है उसके बारे में बताया हुआ है। लाइक इस बुक में बेगर का पर्सपेक्टिव शेयर किया हुआ है, एक प्रोस्टिट्यूट का पर्सपेक्टिव शेयर किया हुआ है, बाबा जमान का पर्सपेक्टिव शेयर किया हुआ है, रूमी का पर्सपेक्टिव शेयर किया हुआ है, किलर का पर्सपेक्टिव शेयर किया हुआ है, रूमी के बेटों का पर्सपेक्टिव शेयर किया हुआ है। तो इस बुक में हर एक पर्सपेक्टिव से चीजों को दिखाया गया है। शैम्स जब तबरेज से बगदाद आता है एंड बगदाद से कोनिया आता है, तो उस बीच में वो बहुत सारे लोगों से मिलता है, एंड उन लोगों से बात करने के बाद में उन लोगों का नजरिया दूसरों के प्रति में चेंज हो जाता है, वो भी इस बुक में बहुत अच्छे से बताया हुआ है। एंड मैं आपको गारंटी देते हुए ये कह सकता हूँ कि करके जो इंसान इस बुक को स्टार्ट करेगा वो इस बुक के खत्म होते होते बहुत ज्यादा चेंज हो चुका होगा। एंड जो इस बुक का टाइटल है 40 रूल्स, वो आपको इकट्ठा एक साथ 40 रूल्स नहीं मिलेंगे, वो 40 रूल्स पूरे बुक में स्प्रेडेड है। मतलब वो 40 रूल्स आपको पेज नंबर 1 से लेके एंड पेज के बीच में कहीं पे भी मिल सकते हैं। तो जैसे जैसे आप इस बुक को पढ़ोगे ना, तो 1 बाय 1 आपको वो 40 रूल्स मिलेंगे। ये बुक बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है। अगर आपको ये जानना है कि आपकी खुद की रिलेशनशिप अपने साथ में क्या है, आपको ये जानना है कि करके ट्रू लव का एक्चुअली में मतलब क्या होता है, या फिर ये जानना चाहते हो कि करके गॉड क्या है, तो आपको ये बुक बिल्कुल बिल्कुल पढ़नी चाहिए। एंड मैं वापस से इस चीज़ के ऊपर मैं एम्फसाइज करूँगा कि करके ये बुक को पढ़ने के बाद में आपका लाइफ के प्रति में, आपके आसपास के लोगों के प्रति में आपका नज़रिया बहुत बहुत ज़्यादा चेंज हो जाएगा। तो अगर आप इस बुक को पढ़ना चाहते हो तो उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ जाके आप इसको चेकआउट कर सकते हो, एंड चाहो तो बाय भी कर सकते हो। मैं तो रिकमेंड करूँगा कि करके इसको बाय कर लो। एंड ये बुक है ना आप मल्टीपल टाइम्स पढ़ सकते हो, ये इतनी अच्छी बुक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक कीप लर्निंग एंड कीप स्माइलिंग। बाय बाय।